नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। LNMU यूनिवर्सिटी दरभंगा के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर बड़ी अपडेट आई है, तो जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको आगे बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। तो आप लोग को जो सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार था उसके लिए यहाँ पर अपडेट आई है। तो आइए वीडियो की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, क्योंकि यहां मिलेगी दरभंगा यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट सबसे पहले। ताइए वीडियो की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT नीट या क्लासिक से बारहवीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नट। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अब यहां पे देखिए हुआ क्या कि नामांकन लेना था ऑनर्स में और छात्रों ने कर दिया सामान्य कोर्स में आवेदन। ठीक है, संशोधित प्रथम मेधा सूची जो है को 27 को, यानी जो है फिर से आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, यानी कि संशोधित प्रथम मेरिट लिस्ट जो है अब यहाँ पर 27 तारीख को जारी होगा। यानी सभी का जो कैंसिल कर दिया गया है, जो भी आपका मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, जो भी एडमिशन लिए थे, सब कुछ यहाँ पर कैंसिल किया गया है। LNMU डिग्री पार्ट 1 2020-23 के नामांकन के लिए प्राप्त आवेदन के आधार पर जारी औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की तिथि 23 अक्टूबर को समाप्त हो गई। करीब 2000 छात्रों ने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई, वहीं 3 छात्रों ने ऑफलाइन शिकायत की है कि DSW डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने बताया कि प्रथम मेरिट लिस्ट को एक भी छात्र ने आपत्ति नहीं जताई। अधिकांश शिकायत करने वाले छात्र फॉर्म भरने में खुद की गलती बताई है, इसमें जातीय श्रेणी गलत भरने, जन्मतिथि गलत भरने, स्वयं व पिता की नाम स्पेलिंग मिस्टेक, पता लिखने में गलती, लिंक चयन में गलती, ऑनर्स सब्जेक्ट में गलती, कॉलेज की वरीयता क्रम में चयन तथा सब्सिडी विषय के चयन में गलती हो जाने से छात्रों ने जानकारी दी है। दर्जनों छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्हें ऑनर्स में नामांकन लेना था पर आवेदन जो है सामान्य कोर्स में कर दिया। इसकी फिलहाल ज़्यादा शिकायत नहीं मिली है, लेकिन यह संख्या काफ़ी बताई जा रही है और ये ऐसे छात्र हैं जिन्हें खुद भी मालूम नहीं कि उन्होंने गलती कर रखी है। इस कारण ऐसे छात्र आपत्ति भी नहीं किए हैं। विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार ऐसी गलती करने वाले छात्रों की संख्या करीब 2000 हो सकती है। यानी किसी ने जन्मतिथि गलती भरा, तो किसी का पता गड़बड़ाया, जातीय श्रेणी गलती हुई, डिग्री पार्ट उन्होंने नामांकन के जमा किए गए, गलतियों में भरमार है। यहाँ पे समाप्त हो गई है मेधा सूची पर आपत्ति दर्ज करने की तिथि, लेकिन WSO ने बताया कि ऑनर्स का विषय परिवर्तन तथा समान कोर्स से ऑनर्स कोर्स में परिवर्तन का मामला बाद में देखा जाएगा। अन्य गलतियों को लेकर जो शिकायत मिली है उसका निवारण करते हुए नामांकन के लिए संशोधित प्रथम मेरिट लिस्ट सूची जो है 27 को प्रकाशित की जाएगी। बताया कि सूची आरक्षण नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए छात्रों द्वारा कॉलेज बार भरे गए प्रथम प्रियता के आधार पर की जाएगी। डिग्री पार्ट में नामांकन के लिए 1,78,573 छात्रों ने आवेदन कर रखा है, यानी जो पहले का जो भी था वो आपका कैंसिल हो चुका है। अब जो आएगा मेरिट लिस्ट वो आएगा आपका 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को आपका फिर से मेरिट लिस्ट आ रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो पे, चैनल पे आपकी सारी अपडेट इसी चैनल पे देती जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।